फ्रेंड्स, एचपी लेजर जेट नेवर स्टॉप लेजर 104, ये कार्ट्रिज है इसमें लगा हुआ। और आप देखेंगे ये जो प्रिंटर है इसमें प्रॉब्लम क्या है, E230 एरर, और ये लाइट फ्लैश करता रहेगा। देखिए तो इसका सोल्यूशन आज बताएंगे। अंत तक पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। HP लेजर जेट 1200 MFP मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, और इसमें देखेंगे और ठीक करेंगे। तो बेसिकली ये जो एरर आ रहा है इसी को सोल्यूशन करेंगे आज। तो पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको हम बताएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसमें देखिए, यहाँ से इंक टोनर भी इंक आप खुद भर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिल करने का ऑप्शन दिया, ठीक है, आप टोनर भर सकते हैं। इसका टोनर सामने से निकलता है ऐसे ओपन होके और निकल जाता है, ठीक है, ऊपर करके। तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। देखिए कवर ओपन करके क्लोज किया तो इंजन रोटेट कर रहा है अपना, आप देखेंगे एक बार आप, और बाकी आपको डायग्नोस करना है तो लेजर स्कैनिंग ओके रहेगा। तो देखिए कवर ओपन करके और क्लोज करेंगे तो फ्यूजर वगैरह ओके रहेगा। तो ये पहला डायग्नोस्टिक हो गया, ये दोनों चीज़ों ख़राब नहीं है, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है अब देखते हैं क्या है। शट डाउन करेंगे और ADF को खोलेंगे, ये वाले फ्लैट बेड स्कैनर को, और ये वाली पोर्शन जो है, जो केबल्स है स्कैनर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होता है, इसको देखेंगे खोल के कि कैसे ठीक हो रहा है। तो सबसे पहले हम केबल को रिप्लेस करना है आपको, ठीक है। उधर भी कनेक्टेड, ये निकालना होगा सर, ये वाला कार्ड सेक्शन। ओनली कार्ड सेक्शन और ये है
केबल, बस इसको हम रिप्लेस करके एक बार देखेंगे। सो अभी केबल इन्होंने ऑर्डर कर लिया, केबल को कट करके शायद ऐसे मिल जाए तो लगाएंगे, क्योंकि इसमें दो हैं, एक ADF का है और एक कंट्रोल पैनल का है, एक CCD का है। सेम केबल यही है। देखिए कितने पिन का है, तो यही आप हमने कंफर्टेबल लगाया हुआ है, इसमें केबल मंगाया है इस पर्टिकुलर का, देखेंगे इसमें बदल के। तो देखिए फ्रेंड्स, 1005 वाला केबल है, एक पिन आप बीच में से यहाँ पे हटा लीजिए, क्योंकि इससे जब मैच करेंगे तो पिन, एक पिन फालतू है तो एक पिन हटा के फिर ये लग जाएगा। एंड तक हटा नहीं गया, तो ये जो पिन है आपको स्टार्ट से एंड तक, शुरू से एंड तक हटानी है, ठीक है। देखिए सॉरी पिन है कट बना रहे, तो ये वाली जो केबल है ना, ये वाली जो पिन एक्स्ट्रा आप इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड, जितना ज़्यादा पिन है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो यहाँ से ऐसे आपको निकालना है इस हिसाब से, ठीक है, और यहाँ से ऐसे खींचना है, ठीक है। देखिए शुरू से एंड तक निकाल लेना है, ओके। देखिए ओके, ये हो गया, अब केबल तैयार, और ये केबल ऐसे तैयार हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा निकल गया तो कोई बात नहीं, इससे इम्पैक्ट नहीं है अपना, चल जाएगा हमारा केबल बस, ठीक है। क्योंकि पीछे इसका स्ट्रिप है, तो ये क्या केबल, अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर को खोलेंगे, एक 1005 की केबल को आपको बनाना है, इसे इस तरह से एक केबल निकाल देनी है पीछे से, बीच से, उसके बाद से आपको लगाना है, ठीक है। सारे पेच होते हैं इसमें, और उसके बाद से स्कैनर खुल जाएगा, फिर नीचे से हम लेते हुए इसमें टू साइड टेप चिपकाते हुए केबल, कंट्रोल पैनल केबल निकाल देंगे, इसमें अलग कर देंगे, ये केबल देखिए मेरा केबल को अच्छे से निकालना है, नहीं तो दूसरा केबल खराब हो सकने की संभावना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल को अलग कर देंगे केबल,
इसमें बहुत सारे पेज होते हैं रियर साइड में, आप चेक करेगा। ये निकल गया, पैनल को भी निकाल देंगे साइड। और ये केबल है, उसके पहले सीसीडी स्कैनर चेंज हुआ था माइक्रो मीडिया। और ये है केबल, कनेक्ट करके हम बाहर से ही देख लेंगे पहले, उसके बाद से हम इसको फिक्स करेंगे। 30E to 30R में तो दोस्तों ये लगा लिया है केबल जो हमने बनाया था, एक बीच में से पिन निकाला था आपने देखा, अब सब कुछ लगा लिया है कनेक्ट करके। अब देखेंगे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है लॉन्ग, इसी वजह से हमने पॉज कर दिया था केबल वगैरह मैप करने के लिए, रूट करने के लिए। केबल आ भी है, ये देखिए नीचे से फिर से जो हमने लगाया था कवर ओपन किया था और फिर कार्ड में लगा के देखेंगे, कोई दिक्कत आएगा तो फिर सीसीडी में ही होता है, अदरवाइज इस एरर में केबल सीसीडी का ही प्रॉब्लम होता है। केबल बदल के देखते हैं क्या स्टेटस है, और ये फॉल्टी था केबल जो ओरिजिनल था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसका सर्विस मैनुअल आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। खोलना हो, पार्टों के बारे में जानना हो तो सर्विस मैनुअल में आपको HNRB पार्ट के बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ऑन हो गया, और अभी देखते हैं जो कोई एरर आता है नहीं आता। स्कैनर कैलिब्रेशन कर रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को रेडी आ जाएगा स्टेटस, ठीक है रेडी हो गया, जीरो बन आ गया। और जैसे कि अभी यहाँ हम यहाँ प्रेस करेंगे तो आप कभी यहाँ पे देखेंगे इसमें बटन दिया है, कई बार टच दिया होता तो जिसके वजह से, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी करेंगे कुछ भी, तो पेपर का एरर दे रहा है तो पेपर हम लोड करेंगे। देखिए यहाँ पे E201, तो पेपर का आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली फ्लैश कर रहा है, पेपर लगा के चेक करते हैं। अभी हमने फोटोकॉपी का ट्राई किया इसमें, तो फर्स्टली पेपर इंसर्ट करना, तो पेपर कह रहा था देखिए अब हट गया लगाते, और दोबारा से हम क्या करेंगे इसको फोटोकॉपी करेंगे, फोटोकॉपी करना चालू कर दिया और अब देखेंगे फोटोकॉपी भी आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए फोटोकॉपी भी आ गया है, ओके।
और यही हमने पेन चला यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। और जो साइड साइड में आ रहा है ये ओपन है, इस वजह से आ रहा है, तो क्लोज कर दोगे कवर तो नहीं आएगा। देखिए रेडी हो गया, डन।